नमस्कार कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो में जो खाने मिलते हैं, जो स्नैक्स मिलते हैं, सबको बेहद पसंद आते हैं। इसीलिए आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी मजेदार सा ठेले वालों की स्टाइल का, रेडियो वालों की स्टाइल का पाव भाजी। बहुत ही टेस्टी यमी बनेगी। इसका कलर टेक्सचर सब उसी तरह का होगा, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा, आपको मजा आ जाएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कुकर ले लिया और कुकर के अंदर मैं डाल दूंगी इसमें एक कच्ची, ये मीडियम साइज की कच्ची है, और एक कच्ची भरकर हमने जो है कुकिंग ऑयल की डाल देते हैं। इसके साथ ही एक बड़ा टेबल स्पून जो है मैं अमूल बटर का डाल दूंगी। इसको इस तरीके से हल्का सा मेल्ट होने देंगे। जब ये हल्का हल्का मेल्ट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे अपनी वेजीज। सबसे पहले डालेंगे कैप्सिकम। ये कैप्सिकम है और मैंने एक बड़ी कैप्सिकम जो है इसमें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाली। सारी सब्जियां जो हमने डाली बिल्कुल बारीक चॉप करके डाली है। तो ये गाजर भी मैंने बिल्कुल आप देख सकते हो फाइन चॉप कर लिया, और फाइन चॉप गाजर डाल देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी फाइन चॉप करी हुई कैबेज। जो जो सब्जियां आप पसंद करते हो वो अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हो। छोटी छोटी कटी हुई मैं इसमें गोभी डाल दूंगी। आजकल सब सब्जियां जो है ये बहुत ही सीजनल सब्जियां हैं, तो इसे हमें इंटेक करना चाहिए इसका। इसके साथ ही एक कप मैं इसमें मटर डालूंगी, हरे मटर, बिल्कुल ताजे हरे मटर है, और बहुत ही बाजार में जो है हरा मटर आया हुआ है, और बहुत ही मीठा मटर है, अच्छा मटर आया हुआ है। तो सब चीजों को डालकर हम इस तरह से अच्छे से डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम में हम सारी सब्जियों को जो है सॉटे कर लेंगे। आप सब्जियां जो है अपने टेस्ट के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हो। इसमें जो बच्चे नहीं भी सब्जियां खाते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो न्यूट्रिशियस सब्जियां हैं। इससे क्या होगा, जो बच्चे नहीं भी खाते हैं इसमें उनको पता ही नहीं लगेगा और वो खा लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनेगी, ये भाजी बनेगी। लीजिए हमने इसको जो है सॉटे। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी दो आलू। तो दो बड़े आलू मैंने ले लिया, और वो भी मैंने धोकर जो है छील कर कट करके मैंने इसमें डाल दिया। इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो दो मिनट हो चुके हैं और इसको मैंने सॉटे कर लिया मीडियम फ्लेम में। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। तो पानी मैं ऐड कर दूंगी इसमें तकरीबन 3 कप के करीब। इस तरह इसको हिला लेंगे, और इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 चम्मच के करीब लाल देगी मिर्च। एक बार दोबारा से इसको मैं मिक्स करूंगी, और इसका जो है मैं लेड लगा लूंगी, और इसकी जो है 5 से 6 मिश्रण मैं इसमें ले लूंगी। एक मिक्सी का जार, और इसके अंदर मैंने डाल देने टमाटर। तो 3 टमाटर मैंने कट करे इस तरह से, बिल्कुल रेड रेड कलर के लाल लाल टमाटर में हम लेंगे, और ये टमाटर जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो 3 बड़े साइज के मैंने टमाटर ले लिया और इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ ही मैं एक छोटा जो है चुकंदर लूंगी, यानी कि बीट रूट। इसको भी छील कर धोकर जो है मैंने एक छोटा बीट रूट इसमें डाल दूंगा। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पिस जाए। तो 3-4 चम्मच इसमें पानी के डाल देंगे, पानी उतना डालेंगे जिसमें ये अच्छे से पिस जाए, और इसको जो है अच्छे से मैंने पीस लिया, ग्राइंड कर लिया, चेक कर लेते हैं। तो लीजिए आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया, ये देखिए, और बिल्कुल परफेक्ट जो है ग्राइंड हो गया। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए, बिल्कुल इसी तरह का। ये आप देख रहे हो कितना बढ़िया सा कलर आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, जितने भी स्ट्रीट वाले होते हैं या रेडियो से हम जो पाव भाजी खाते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं। उनका कलर जो आता है बिल्कुल इसी तरह से आता है, और बीटरूट डालने से हेल्दी भी बन जाता है। तो आप देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमने जो है इसकी पेस्ट। अब मैंने ले ली एक कढ़ाई, गैस पे रख दिया, गैस कर दिया ऑन, और इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तो एक कच्ची हमने कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून में इसमें बटर का डाल दूंगी, और इसको मेल्ट होने लगे। जैसे बटर हल्का हल्का से मेल्ट होने लगे हम बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए डाल देंगे इसमें प्याज। तो मैंने 3 जो है बड़े साइज के प्याज ले लिए, और इस तरह से चॉप कर लिया। तो प्याज का टेस्ट जैसे बहुत ही बढ़िया आता है, इसमें प्याज जो है अच्छे से डालेंगे तभी जो है इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, लगातार हिलाएंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। इवन कलर जो है सब जगह से बराबर का कलर आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कलर जो है इसका अच्छे से चेंज होने लगा है। इस स्टेज पे गैस को कर देंगे बिल्कुल हल्का, और इसके अंदर डालेंगे अपने कुछ मसाले। सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे लाल देगी मिर्च, इससे कलर भी बहुत बढ़िया आएगा और टेस्ट भी। मैं जो है इसमें 2 चम्मच भरकर लाल देगी मिर्च की डालूंगी, 1/2 चम्मच इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स।
गैस की फ्लेम बिल्कुल इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर, तो दो चम्मच में इसमें धनिया पाउडर मिक्स कर लेंगे। और वो जो हमने टमाटर की पेस्ट बनाई थी वो इसमें डाल देंगे, चकुंदर और टमाटर की पेस्ट, ये सारी की सारी इसमें हमने ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे और बहुत ही बढ़िया सा ये कलर आ गया। इसी जार में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और वो पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे, आधा कप के करीब हमने इसमें पानी ऐड कर लिया। अब बारी आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट की और वो है नमक, तो डाल देते हैं इसमें नमक। तो ढाई चम्मच मैंने इसमें नमक डाला, यानी कि टू एंड हाफ स्पून, टू एंड हाफ छोटे चम्मच मैंने पानी के डाल दिया, नमक के डाल दिए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे, मिक्स करेंगे इसको, फ्लेम हमने तेज रखा हुआ है। और ये आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारा ये मसाला बनकर रेडी हो गया। तो लीजिए मसाले ने तेज जो है छोड़ दिया, आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। और जब ये स्टेज आ गया तो मतलब कि मसाला हमारा रेडी हो गया जो है, अपने आप प्रेशर रिलीज हो चुका है और 5 पिस्टल्स इसमें आ गई थी, तो चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो सब्जियां हमारी जो है गल चुकी हुई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सब्जियां हमारी अच्छे से गल गई हैं, ये देखिए। ये स्टेज पे हम लेंगे पोटैटो मैशर और इसको जो है इस तरह से मैश कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करके हमने जो है मैश करना है, खोल के हमने इसमें मैश नहीं करना है। जितना ज्यादा आप मैश करना चाहते हो आप उस हिसाब से इसको जो है मैश करके कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सब्जियां हमारी खड़ी खड़ी रहे तो आप इसको कम मैश कर लीजिए, और अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल घुटी हुई आप चाहते हो तो आप उस हिसाब से जो है इसको मैश करिए। तो अभी जो है मैं फिलहाल इसको हल्का हल्का सा ही मैश करूंगी इस तरह से। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया और आप देख सकते हो ये जैसे कि मसाला हमारा रेडी है। फ्लेम ध्यान रहे कि बंद करके हम जो है ये सारी सब्जियां जो है हमने कुकर में से इसमें शिफ्ट कर देंगे, फ्लेम बंद करके डालेंगे, नहीं तो ये एकदम से उछलेगी और फिर जो है आपके आपको लग सकती है। तो लीजिए इसको हमने मिक्स कर दिया और अब जो है हम गैस का फ्लेम ओपन कर देंगे, अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। आप देख सकते हो इसमें जो है बॉयल आने लगा है और इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, मिक्स कर देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार पाव भाजी मसाला ऐड कर सकते हो इसके अंदर, और जितनी थिक आप इसको करना चाहते हो कर सकते हो। और पोटैटो मैशर से इसको हल्का हल्का इस तरह से मैश करते जाएंगे और इसको जो है पका लेंगे। लीजिए इस तरह से अच्छे से मैश करते हुए गोल गोल हिलाते हुए तेजी के साथ इसको हमने जो है पकाते रहना है और ये अच्छे से जो है गलती जाएंगी सारी सब्जियां। किस तरह से ये पाव भाजी जो है हमारी लग रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रेडियो से खाते हैं, वही टेस्ट है, वही टेक्सचर है, लेकिन बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हमने बनाई है। वो लोग क्या करते हैं कि कलर के लिए कलर डाल देते हैं और हमने कोई प्रिजर्वेटिव कोई कलर इसमें नहीं डाला है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमने जो है वेजिटेबल्स के साथ इसके अंदर जो हम कलर लेकर आए हैं, बहुत ही हाइजीनिकली हमने इसको बनाया है। तो रेडियो वाला टेस्ट जो है आप घर पर बैठे बैठे ले सकते हो, वो बिल्कुल हाइजीन के साथ अच्छे साफ सुथरे तरीके से बनाकर इस तरह से बनाइए। सारे एंड तक जो है टिप्स को फॉलो कीजिए और ठेले वालों की स्टाइल का मजा लीजिए। चलिए प्रोसीड करते हैं इस तरह से, और बिल्कुल जो है ये परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है ये, थोड़ा सा अभी हम इसको थिक करेंगे। जी बहुत ही बढ़िया सी हमारी पाव भाजी जो है बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हो कितनी जो है ये बढ़िया लग रही है। स्प्रिंकल कर देना थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे इसके ऊपर अमूल बटर इस तरह, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार ये लगती है। इसके साथ साथ अमूल बटर जो है, अमूल बटर के साथ ही जो है इसका जो है प्रॉपर टेस्ट आता है, जो रेडियो वाले से हम खाते हैं उनका जो है अमूल बटर से ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो टेस्ट को एनहांस अगर आपने करना है बिल्कुल उसी तरह से, तो बटर जो है हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। तो आपको अब जो है परफेक्ट टेस्ट आने वाला है। गैस को बंद कर देते हैं, पाव भाजी रेडी हो गई है, इसको सर्व करेंगे। अब मैंने ले लिया एक बड़ा सा तवा और ले लिया अपने पाव, पाव को हमने बीच में से जो है इस तरह से कट कर लेना। पाव को हमने इस तरह से कट कर लिया। अब मैं लूंगी तवे के ऊपर रिफाइंड ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज करते हो तो कुकिंग ऑयल इसमें डालते हैं। इसके साथ ही मैं इसे डाल दूंगी अमूल बटर, क्योंकि पाव भाजी की जान है
और एक टेबल स्पून हम इसमें बटर डाल देंगे। गैस को फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देंगे और हल्का सा इसको साथ से हिलाकर इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया और इसके साथ ही जो हमने भाजी बनाई है कौन सी भाजी इसके ऊपर डालेंगे और अपने पाव इसके ऊपर रखेंगे। चिप कर देंगे इस तरह से और हल्का सा बटर जो है और डाल देंगे नीचे। इस तरह से हम इसको सेक लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं करूंगी इसको सर्व और इसको सर्व करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें भाजी। तो लीजिए भाजी डाल देते हैं इसमें और आप देख सकते हो क्या इसका टेस्ट आएगा, क्या इसका कलर है, कितना मजेदार सा लग रहा है। ये देखिए लग रहा है ना बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। उसी तरीके से हमने ये भाजी बनाई है जैसे कि ये रेडियो वाले बनाते हैं। वही टेस्ट है, वही टेक्सचर है, वही कलर है और वही स्वाद है। इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से हरा धनिया और साथ में रखेंगे बटर जो कि पाव भाजी की जान है और हम लेंगे पाव और लीजिए ये गए हमारे पाव। आप देख रहे हो कितने शाइन कर रहे हैं और इसके साथ जो मजा लेने वाली चीज है वो है प्याज। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना प्याज का सैलेड जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और इसके साथ हम इसमें डालेंगे रखेंगे इसके साथ रखेंगे हरी मिर्ची। और लीजिए हमारी मजेदार सी पाव भाजी जो है बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल पाव भाजी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।